सभी दर्शकों का HBN 24 न्यूज में स्वागत है। मैं पत्रकार संदीप नोखवाल। बड़ी और विशेष अपडेट आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर दूसरे चरण के मतदान जारी है। 4 घंटे से लगातार 17% वोट पड़ चुके हैं। पूर्व सीएम हुड्डा के गांव में EVM मशीन भी बदली गई है। बताना चाहूंगा कि सीएम मनोहर लाल खट्टर के जिले करनाल में मतदान सबसे ज्यादा तेज चल रहे हैं। वहीं पर गृह मंत्री अनिल विज के गृह जिले में रफ्तार चुस्त है। वहीं पर आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव संगी में EVM मशीन को बदलना पड़ा, जिसके कारण 15-20 मिनट तक मतदान रुका रहा। EVM के बटन में दिक्कत आई थी, जिस कारण मशीन को दो बार चेक करके EVM मशीन को दिक्कत आने में बटन में दिक्कत आने पर मशीन को बदला गया। वहीं पर रोहतक के अंदर एक पोस्टर पर भी बहाल हो गया। एक गुट के द्वारा दूसरे गुट के पोस्टर के ऊपर पोस्टर चिपकाने से भी मामला काफ़ी गर्म रहा। तो हरियाणा के अंदर मतदान को लेकर लोगों की जागरूकता और मतदान काफ़ी रफ्तार से जारी है। वहीं पर तीसरे चरण के मतदान के लेकर 11 तारीख यानी 11 नवंबर को लास्ट डेट रखी गई है नामकरण के लिए, और 25 नवंबर को हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव के मतदान होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ। बने रहिएगा। जय हिंद।